हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और आज आपको मैं कान्हा जी की ड्रेस का एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया है। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं दो कलर का यूज करूंगी, एक वाइट और एक ऑरेंज। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सबसे पहले हम वाइट कलर का यूज करेंगे। इसमें हम एक लूप बनाएंगे, उंगली पर लपेटेंगे धागे को और इसको इसके बीच से निकालेंगे ऐसे। और एक लूप ये बन गया। अब 18 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए ये 18 चेन बन गई हैं। अब हमें हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें लास्ट वाली चेन में तीन बार चेन बनानी है, 1, 2, 3। ये तीन चेन बना ली। अब क्या करना है, अब हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया, देखिए इसके बराबर वाली चेन में बनाएंगे। एक और ये दो। इसी तरह से हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें सबसे लास्ट वाले लूप में तीन चेन बनानी है। ये तीन चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है इससे आगे वाली चेन में। फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और अब तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से करते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है। अब आगे क्या करना है, पहले इस लूप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। अब यहां हमें 1 इंच का निशान लगाना है और यहां हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये दो निशान बन गए। अब क्या करना है, बिल्कुल इनके पीछे एक एक निशान लगा देना है। ये देखिए ये चार निशान बन गए, 1, 2, 3, 4। ये दोनों फ्रंट हो गए, ये बाजू और ये बैक। अब क्या करना है, अब लूप में क्रोशिया डालेंगे हम और इस लूप को छोटा कर लेंगे और यहां पर तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये तीन चेन बना ली। अब हम हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए अपने पहले निशान तक पहुंचेंगे।
ये देखिए हमारा पहला निशान आ गया। अब क्या करना है, हमें अपना क्रोशिया दूसरे निशान वाली चेन में डालना है और यहाँ डबल क्रोशिया बना देना है। फिर से इसी तरह से हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए तीसरे निशान पर पहुंच जाना है। ये देखिए हमारा तीसरा निशान आ गया। अब क्या करना है, हमें अपना क्रोशिया चौथे निशान वाली चेन में डालना है और यहां डबल क्रोशिया बना देना है। हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब लास्ट वाली लूप में फिर से तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, ये तीन चेन बना ली। अब क्या करना है, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन भी कंप्लीट करनी है। तो देखिए इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हमें ये एक चेन बनाकर ये धागा कट कर देना है। ये एक चेन बनाई और यहां से धागा निकाल देंगे। अब इसमें हम यहाँ स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पर हम अपना वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। देखिए मैंने धागा अटैच कर लिया है। अब यहाँ एक लूप बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन चेन बना ली। अब हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। लाइन कंप्लीट हो गई है। अब तीन चेन बनाएंगे, फिर से हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्लीव्स बना दी है। अब हम इसको दोनों साइड से इस तरह से मिलाकर और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। मैं ये सिलाई क्रोशिया से कर रही हूँ, आप इसको सुई धागे से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल दिया। अब यहाँ से हम धागा कट कर देंगे, एक चेन बनाएंगे टाइटली, इस तरह से ये एक साइड का बन गया। इसी तरह से दूसरी साइड का भी बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी टी शर्ट बनकर तैयार हो गई है। इसे बंद करने के लिए हम यहाँ पर वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर चिट बटन लगा सकते हैं, कैसे भी कुछ भी लगाकर हम इसको बंद कर देंगे यहाँ से। अब हम इसके ऊपर की जैकेट बनाएंगे। जैकेट बनाने के लिए हम दूसरा कलर लेंगे, जो भी आप कंट्रास्ट में इसका लेना चाहेंगे। मैंने ऑरेंज कलर लिया है। उसी तरह से सबसे पहले लूप बनाएंगे, अब देखिए
अंदर की टी शर्ट बनाने के लिए हमने 18 चेन ली थी। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चेन ज़्यादा लेनी है, यानी कि 20 चेन लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 20 चेन बना ली। अब 2 चेन और बनाएंगे, 1, 2, और हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसको शुरू से करने से पहले, कि मैंने इसमें 20 चेन बनाई हैं और आपने देखा होगा चोली में मैंने 18 चेन बनाई हैं। तो आप कहेंगे इसमें ज़्यादा क्यों बनाई है, उसमें कम बनाई हैं, क्योंकि जैकेट हमारी थोड़ी लूज़ होती है और शर्ट फिटिंग की होती है, तो इसलिए इसमें मैंने 2 चेन फालतू लिए हैं। चलिए तो आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। इस लूप में अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, ये 3 चेन बना ली, और हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट जो लास्ट का लूप है उसमें 3 चेन बनानी है, और जैसे हमने टी शर्ट बनाते हुए थर्ड लाइन कंप्लीट की थी, उसी तरह से थर्ड लाइन कंप्लीट करनी है और उसी तरह से फोर्थ लाइन कंप्लीट करनी है। चलिए तो इसी तरह से कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 4 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, 1, 2, 3, 4, चारों लाइनें ये कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से हमारी ये छोटी सी जैकेट बनकर तैयार हो गई है। ये इस तरह से पहनाई जाएगी, ये देखिए बड़ी क्यूट सी लग रही है। अब हम इसके नीचे का पैंट बनाना सिखाते हैं। उससे पहले हम इसकी चारों साइड की गले की और आगे से बाउंड्री कर देंगे, जिससे कि इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये बाउंड्री कंप्लीट करनी है। ऐसे ही ये कर लेते हैं। तो देखिए पैंट बनाने के लिए हम ऑरेंज कलर की ऊन से एक लूप बनाएंगे। ये देखिए लूप बन गया। अब हमें 28 चेन बनानी है। 28 चेन बना ली। अब हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ सबसे लास्ट वाली लूप में 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट की है, इसी तरह से हम 3 लाइनें और कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो 3 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने 3 लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3, ये 3 लाइनें बना ली हैं। अब क्या करना है, हमें इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ बीच में निशान लगाना है। ऐसे ही निशान लगा लिया। अब क्या करना है, ये फर्स्ट लूप है, इसमें 3 चेन बनानी है और हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए निशान तक जाना है। एक, दो, तीन, ये 3 चेन बना ली। हर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए
हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये निशान हमारा आ गया। अब हमें यहीं से दूसरी चेन बनानी स्टार्ट करनी है, दूसरी लाइन सॉरी। यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे फर्स्ट लूप में, एक दो तीन, और इसके ऊपर एक लाइन और बना लेंगे। चलिए तो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये तीन लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया है। जिस तरह से हमने ये वाला पोर्शन किया था उसी तरह से हम ये वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से ये धागा कट करेंगे। और अब ये फर्स्ट चेन से अपने धागे को अटैच करेंगे। अब एक लूप बनाएंगे और तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन हो गई, एक दो तीन, तीन चेन हो गई। और हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए तीनों, जिस तरह से इधर तीन लाइनें बनाई हैं उसी तरह से इधर भी तीन लाइनें बना लेंगे। चलिए तो इतना कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर दी है। अब क्या करना है, इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ से लेकर लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको सिल देना है यहाँ पर, और ऊपर से भी यहाँ से इसको सिल देना है। चलिए तो सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा काम और करना है। ये काम आप पहले भी कर सकते थे या फिर बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगी। यहाँ पर अपना वाइट कलर अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे, इस तरह से ये धागा इसमें अटैच हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंगल हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। ये जो धागा एक्स्ट्रा वाला है ये आप अपने साथ भी रख सकते हैं, बुनते हुए अंदर दबा दीजिए इसको, या फिर इसको कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इधर भी और दूसरे पैर में भी ये वर्क कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।